टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ क्रिस्टीना और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ बिकॉज आज है विशाल का बर्थडे और हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं सरप्राइज। तो मैं उसको बताना नहीं चाहती कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि वो हमेशा कहता है कि तू खुद क्यों ब्लॉग नहीं बनाती और तू कभी ब्लॉग की स्टार्टिंग क्यों नहीं करती। तो आज मैं उसके लिए एक और सरप्राइज की मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अच्छा गाइज मैं एक बात बताऊँ कि हम लोग एक्चुअली अभी जा रहे लोनावला, तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि मैं विशाल को बोलूं कैसे कि विशी तू प्लीज एक्स्ट्रा क्लोथ्स ले लेना बिकॉज हम वहां पे एक दिन रुकने वाले हैं और उसको नहीं पता है। तो मैं बस अभी कुछ प्लान कर रही हूँ कि गाइज मैं उसको कैसे बोलूं, बट या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिज बर्थडे बिकॉज मैंने उसके लिए बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज प्लान किया है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि उसका रिएक्शन क्या होगा। मैं जरूर दिखाऊंगी आपको एक एक चीज। तो अभी हम मॉर्निंग में सिर्फ मैं, राहुल भाई और मधु निकल रहे हैं बिकॉज मुझे वहां जाके कुछ प्रिपरेशन करने हैं उसके बर्थडे के लिए। तो हम सिर्फ तीन लोग जा रहे हैं यहाँ से, बाकी के लोग उसके साथ बाद में आएंगे बिकॉज ताकि सरप्राइज खराब ना हो जाए। तो लेट्स गो। राहुल भाई ये मधु का ब्लॉग। तो हम अभी जा रहे हैं। मैडम तो पता नहीं कितने दिन के लिए जा रही है, तो थैले भर के लाके मैं एक हफ्ता वही बसने वाली हूँ। और ये OOTD ऑफ माय ब्रदर। ये मुंबई ट्रैफिक कभी भी हमें टाइम से कहीं पहुंचाएगा? नहीं। मॉर्निंग गाइस, सो आज है 12 अक्टूबर और है मेरा बर्थडे और 9:30 हो गए हैं। क्रिस्टीना का कॉल आया कि उठो, कुछ प्लान किया हुआ है। तो अभी मेरे को पता नहीं कि क्या किया हुआ है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। फटाफट मैं रेडी हो जाता हूँ, अभी मेरे पास 1.5 घंटा है, 1.5 भी नहीं है वैसे, आधा घंटा तो मैंने ख़राब कर दिया टीवी देखने में, अपनी नींद खोलने में, क्योंकि ऐसे मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मेरे को नींद खोलने के लिए मैं टीवी देखता हूँ। 1 घंटा अप्रॉक्स बचा है मेरे पास। मैंने विशाल को 11:30 बजे बोला था कि तू निकलना, पर मैं खुद अभी 11 बजे तक मुंबई से बाहर ही नहीं निकली। मैं उसको क्या बोलूंगी तू 11:30 बजे निकल। एक ही जगह पे पता है पिछले 45 मिनट से खड़े हुए। आई एम रेडी। कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ। तो मैं रेडी हो गया हूँ लेकिन अभी तक मेरे को लोकेशन नहीं आई है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि लोकेशन आए तो फिर मैं अपने घर से निकलूँ। अभी हम लोग निकल चुके हैं, भाई को लोकेशन आ गई है, मेरे को भी कोई लोकेशन नहीं आई है। वो मेरे को बोल रहे हैं कि इधर से पवई जाने का और ऐसे करके बिट्स एंड पार्ट्स में बता रहे हैं। चलो अभी पहला टास्क हमें आया कि हमें यहाँ से पवई पहुँचना है, उससे पहले हमें 2 लोगों को और पिक करना है, उनको पिक करके हम पवई जाएंगे। और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको नहीं बताया ठीक है, मेरे को क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि हम दोनों एक हैं, उनको पता है कि इसको पता चल गया तो मेरे को पता चल जाएगा, इसलिए वो इसको भी नहीं बता रहे। मेरे साथ भी कल रात से स्कैम हो रहा है, ऐसी आधी अधूरी चीजें बताई जा रही है, तो छुपाया जा रहा है हमसे चीजें, पर ठीक है उनका सरप्राइज है। काम करे अपन कहीं और ही अपन सरप्राइज अभी तुम लोग उधर पहुंचो, उधर से ये लोकेशन है, उधर आ जाओ, उल्टा सरप्राइज कर दे, उल्टा सरप्राइज कर देते हैं। मतलब हम उनको लोकेशन दे देते हैं कि आपको यहाँ पे आना है, हम पहुंच गए, मजा है। वैसे बर्थडे मेरा, मैं कर सकता हूँ। सो हमने रास्ते में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने सबके साथ बिस्किट भर लिए हैं और चार्ज, ये भाई ने मसाला तड़का चार्ज ले लिया, गुजराती थिंग्स भी। हम मैं रास्ते में बिस्किट बांटता जाऊंगा, बर्थडे वाले दिन पूरा दिन में जो भी कोई दिखता है मैं उसको बिस्किट दे देता हूँ। सो आज भी मैं वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब गलती से आप देख पता चले रोड में से चलते दिख जाओ, मैं पकड़ के बिस्किट खिला दूंगा। लोग नागोरी से चाय लेके मेरे घर के नीचे आ जाते हैं, आज बर्थडे है, भाई नीचे उतरेगा तो बिस्किट देगा। तो दो हमारे नए गेस्ट कपिल और पल्लवी, बिस्किट था हमने लिया था कि रास्ते में बच्चे दिखेंगे तो ठीक है उनको देंगे। ये बंदा जो लड़की आ रही है उसको बिस्किट ऑफर कर रहा है, जो लड़की निकल रही है ना बोला गाड़ी रोको मेरे को इसको बिस्किट देना है। बड़ी लड़की, बच्चे नहीं मतलब बड़ी लड़की। अभी फूड ब्रेक, हमने ऑर्डर किया है 3 कटिंग 3 वड़ा पाव फॉर 3 पीपल। तो अभी हम कितनी देर में पहुंचेंगे भाई? 5 मिनट मैक्स, 5 मिनट मैक्स और हम पहुंच जाएंगे उसके बाद। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ प्रिपरेशन जो वहाँ पे हो रही है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज मुंबई ट्रैफिक। विशाल ऑलरेडी निकल चुका है, आई होप कि उसके आने से पहले सारी तैयारियाँ पूरी हो जाए वरना मेरा ऊपर टूट जाएगा। Happy birthday to you.
मुझे मोटा लग रहा है। मेरे को वैसे इतना नहीं था क्योंकि मैं सोच रहा था आपको बर्थडे हो गया पर सोचा इसका कॉल आया कि मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, मैं ऐसे बोलूं कैसे कि पैकिंग कर यार जाना है हमें। तो यहाँ पे भी हो रहा है बारबेक्यू की तैयारी। ये मशरूम और चिकन, शेफ कीर्तन चौहान। यहाँ पे भी चल रहा है कोयला जलाने का कार्यक्रम। भैया हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू भैया। ये है तंदूरी चिकन, ठीक है। ये है हमारा सोया सॉस वाला चाइनीज वही सोया सॉस वाला चाइनीज। और ये है हमारे पास पेरी पेरी आलू पटेचो, पेरी 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 पटेचो। दिस इज कैप्सिकम कम से कम एंड दिस इज मशरूम्स फॉर वेजिटेरियन पीपल। ये हमारे गेस्ट थोड़े से लेट आए हैं। हेलो भाई, अपनों को गेस्ट बोलते हैं? नहीं नहीं भाई, आज तो गेस्ट ही हो ना सब इधर आके मेरे उसमें अतिथि देव बाबा। तो ये भाभी हमारी प्यारी सी, ये पाजी भाई। थैंक्स। प्यारा सा नहीं, भाभी हमेशा प्यारी होती है। भाई तो भाई होते ही है। हाँ भाभी, मेहंदी दिखाओ करवा चौथ की। कितनी प्यारी, देखो एकदम गहरी है। भाभी को उनकी सास बहुत प्यार करती है, है ना। मधु बस कर, जब भी कहीं मधु नहीं मिलती तो वो केक के पास मिलती है। ये हमारा काना माची। काना भाई कहिया कपिल, कपिल देखो यार। अगले दिन की सुबह हो गई है और हम हैं खंडाला घाट पे। बर्थडे बहुत अच्छा था, पूरी रात हमने बहुत एंजॉय किया। और शायद मैं आपको पूरा सब कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि हम लोग इतने मस्त हो गए सब लोग नाचने में गाने में कि हमें याद ही नहीं रहा कि यार ब्लॉग शूट करना है। बहुत मजा आया और बेचारी ने बहुत मेहनत करी किट्टू ने और मेरे को सरप्राइज दिया। ये बंदर लास्ट मोमेंट तक मेरे को कुछ नहीं पता था। ये देखो ब्लॉग में इसको पकड़ो, ये देखो। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वी होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, और हमारे चैनल को प्यार देते रहना यार। हम लोग हैं सिर्फ आपको हंसाने के लिए और प्यार देने के लिए और प्यार लेने के लिए। बाय बाय।